इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सहकारी साथियों को मेरा सादर जय भीम। आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पूरे भारत देश में माता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस मनाई जा रही है। इस अवसर पर मेरे सभी सहकारियों को माता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। माता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका ही नहीं बल्कि ये समाज परिवर्तन आंदोलन की महान प्रणेता भी थी। जिस तरह से समाज सम्राट अशोक ने अपने पूरा जीवन को कलिंग युद्ध के बाद में अपने पूरे जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दी थी, उसी तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने भी अपने पूरा जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दी। जिस तरह से ये हम 17 साल की महिला नहीं कहेंगे बल्कि 17 साल की एक लड़की जो अपने जीवन में बहुत सुंदर सुंदर सपना सजोती है, उस समय में माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के लिए सपना सजोई। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जान रही थी कि वो तथा सावित्रीबाई फुले सम्राट अशोक से बहुत ही प्रभावित हुई थी, प्रेरित हुई थी और उन्होंने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया था। जब माता सावित्रीबाई फुले अपने स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उसी समय एक घटना हुई कि एक गुंडा बदमाश उसके रास्ता में आकर उसको रोक दी। तो उन्होंने कहा, उनकी कथन में कहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं एक माली हूँ जो बंजर भूमि में फूल खिला सकती है और मैं इस समाज रूपी बंजर भूमि में मैं शिक्षा का फूल खिलाना चाहती हूँ और मेरे रास्ता में कोई बाधा आएगा तो मैं उसको दिखा दूंगी मैं कौन हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बोली तो जितने भी मनुवादी लोग थे जो उनके रास्ता में बाधा डाल रहे थे वो बहुत डर गए और उस दिन से उनके रास्ता में बाधा डालना बंद कर दी। तो इस तरह से महाराष्ट्र के पूरे जैसे जो मनुवादियों का शहर था वहां पर उन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम करके उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 18 विद्यालय संचालित की। इसके अतिरिक्त समाज में जो बहुत सारे कुरीतियां व्याप्त थी जैसे जाति प्रथा थी, बाल विवाह थी, सती प्रथा थी, महिलाओं का विधवा महिलाओं का मुंडन प्रथा था, इन सभी जो कुप्रथाएं हैं उस पर बहुत ही प्रहार किए और उनको पूरी तरह से समाप्त की। जैसे कि उस जमाने में मुंडन प्रथा हुआ करती थी, महिलाओं को जो विधवा हो जाती थी उनको मुंडन कर दिया जाता था। तो उन जो नाई समाज के लोग जो उनको मुंडन करते थे उन नाई समाज के लोगों से भी वो मिलती थी और उनको समझाती थी कि इस तरह से आप मुंडन का कार्यक्रम मत करिए, पूरी तरह से इस कार्यक्रम को बंद करिए क्योंकि ये नारी के मान और स्वाभिमान का खिलाफ है। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा समाज को समर्पित कर दी और शिक्षा, क्योंकि उनकी एक महत्वपूर्ण कथन है कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना क्या हुआ, शूद्रों का तन। अविद्या पूरे समाज का पतन कर दिया। तो इस कथन बहुत ही सार्थक है। इसी के कारण माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को बहुत ही महत्व दी और पूरे नारी जगत को और पूरे संपूर्ण जो समुदाय के लोग हैं उनको शिक्षा का द्वार खोला उनके लिए। और माता सावित्रीबाई फुले सिर्फ SC ST OBC के महिलाओं के लिए ही शिक्षा नहीं खोली बल्कि उस समय जो अत्याचार हुआ करता था उस संपूर्ण महिला समाज महिला समाज पर होता था उन सभी के लिए शिक्षा खोली और उन पर जो हो रहा अत्याचार पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया, उनको खत्म करने का प्रयास की। इसके अतिरिक्त माता सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव फुले जी की जो सत्य शोधक समाज है था उसकी जब महात्मना ज्योतिराव फुले जी की मृत्यु हो जाती है 1890 में तो उस सत्य शोधक समाज की अध्यक्षा बनी और उन्होंने बखूबी सत्य समाज की जो कार्य था जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध अंधविश्वास पाखंडवाद जो कुरीतियां थी उन सब को समाप्त करने का जो नियम था उसको उन्होंने फॉलो करवाए और इसी तारतम्य में उन्होंने जो अपने गोद लिए पुत्र यशवंत को पढ़ा लिखा कर उन्होंने डॉक्टर बनाया। और जब भारत देश में उसी समय क्या हुआ था, प्लेग नामक महामारी फैला हुआ था तो उन्होंने पूरे अपने घर में जा जा के बच्चों को बूढ़ों को लाते थे और अपने हॉस्पिटल में उनको इलाज करवाते थे। और इसी तरह से जिस तरह से
सम्राट अशोक ने सबके लिए विद्यालय बनवाए थे, उसी तरह से माता सावित्रीबाई फूले ने अपने जीवन काल में कुल 18 विद्यालय बनाए। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने जिस तरह से पशु पक्षी के लिए और मनुष्य के लिए हॉस्पिटल खुलवाए थे, उसी से प्रेरित होकर माता सावित्रीबाई फूले ने भी अपने बेटे के माध्यम से भारत देश में हॉस्पिटल का निर्माण करवाए और दीन दुखियों का सेवा किए। जिस तरह से सम्राट अशोक ने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भाईचारा और न्याय पर आधारित जो मानवतावादी विचारधारा है उससे बहुत प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाया और जिसके कारण से सम्राट अशोक के युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी से माता सावित्रीबाई और ज्योतिराव जी शायद प्रेरित हुए होंगे और उनकी राज्य को पुनः भारत में 19वीं शताब्दी में स्थापित करना चाहते थे। और आज ये हमारे जितने भी महापुरुष है उन सभी का वो पे बैक टू सोसाइटी था, वो समाज के प्रति उनका ऋण था जिनको उन्होंने हमारे सभी महापुरुषों ने पूरा किया। और आज हमारी पारी है कि हम किस तरह से हम पे बैक टू सोसाइटी करते हैं कि हमारा भी समाज के प्रति हम भी ऋणी हैं कि हम किस तरह से अपने समाज को कुछ दे सके, कुछ कर सके समाज के लिए, क्योंकि हम भी आज माता सावित्रीबाई फूले के बदौलत और हमारे महापुरुषों के बदौलत आज पढ़े लिखे हैं, अच्छे पोस्ट पे हैं। तो हमारा भी दायित्व तो बनता है कि हम समाज को सही दिशा दें, हम समाज को सोच विचार करने वाले समाज बनाएं ताकि आने वाली पीढ़ी भी सोच विचार करने वाले समाज बन सके। और ये जो हमें हक अधिकार मिला है वो जन्म जन्मांतर तक कई पीढ़ियों तक बना रहे। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आप सभी को सादर जय हिंद।